रविंद्र कुमार बेहरा, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ ऑन अप्लाइंग ऑन दैट गॉस लॉ ऑन द स्फेरिकल सेल, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज डिस्कशन करेंगे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो लास्ट क्लास जो हमने डिस्कशन किया था उसमें सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी था, हाँ कि नहीं? आज डिस्कशन करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो अच्छी तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो डिफरेंस क्या आता है, जो हम पहले डिस्कशन किए थे वहां पे हॉलो स्फीयर लिए थे, हाँ कि नहीं, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग लिए थे, आया समझ में? मैंने चार केसेस बोला था ना, हॉलो सॉलिड, हॉलो का कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड का कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों के लिए डेरिवेशन एक ही तरह का होगा। जो लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए किस डिफरेंट कैसे होगा, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। हुआ? काफी वाला छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी यहां से आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है, देखो इन तीनों केस में जो लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया था वहां पे क्या किया था, वहां पे यही क्या था कि ये स्फीयर है, अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज है, अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो आता है मेरा 1/4π0qr2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो अगर ये वाला स्मॉल आर हुआ तो ये वाला स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस में आया तो 1/4π0qr2, अंदर में आया तो जीरो, यही तो हो जाता है ना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये दोनों तो सेम आएगा मगर यही वाला चेंज हो जाएगा, अंदर वाला क्या होगा चेंज हो जाएगा। देखो अंदर वाला कैसे चेंज होता है, अच्छा या बाहर में जो आएगा वहां पे वैल्यू तो वही आएगा शायद। वह तो हम आज पहले इनसाइड का डिस्कशन करते हैं उसके बाद बाहर के वाला डिस्कशन, क्योंकि इनसाइड यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे इनसाइड का बात इंपोर्टेंट होता है। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, मान के चलो कि ये मेरा कोई सॉलिड स्फीयर है, ये वाला कोई मेरा सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस बना कैपिटल आर बना। अब यहां से कोई पॉइंट यहीं पे कहीं ले लू, उसके हिसाब से मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं, यहीं पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पाना है, वहां से मैं क्या करूं ना इलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो स्फेरिकल का गॉसियन सरफेस ही बनेगा। अरे हाँ या ना, तो स्फेरिकल का गॉसियन सरफेस ही बनेगा। वाह, अब देख इसका जो रेडियस बना ये वाला मुझे स्मॉल आर लेना है, किसका, ये वाला मेरा है गॉसियन सरफेस, अच्छी तरह से देखो ये वाला मेरा है गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। अब ये वाला मेरा है स्फीयर, आया कि नहीं समझ में, ये मेरा गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, ये मेरा है स्फीयर। अब यहां पे जो चार्जेस है मानते सरफेस में पूरा है, यहां पे पूरा सरफेस में है, वहां की नहीं, अच्छा चार्ज क्या है पूरा, अच्छा यहां पे देखो सरफेस में भी है कोई अंदर में भी है, अच्छा अंदर में कैसे है, देखो क्या होता है, अगर तुम कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर कोई तुम सॉलिड स्फीयर में चार्ज को कहां पे इंजेक्ट करोगे, चार्ज को मान के चलो मैं देता हूं सेंटर पे, चार्ज को कहां मैं दू सेंटर पे, तो सेंटर में चार्ज देने से पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, जो भी एक ही चार्ज देने से क्या होता है, वो खुद में अपने अपने रिपेल होके सरफेस में लग जाएंगे, सरफेस तक आ जाएंगे, तो सेंटर में ज्यादा आएगा सरफेस में कम आएगा, हाँ कि नहीं। अब क्या होता है, अगर इसी के साथ कोई बॉडी मैंने क्या किया टच कर लिया, दूसरा कोई चार्ज बॉडी है मैंने टच कर लिया मतलब कहां पे आएगा चार्ज, सब सरफेस में आएंगे, चार्ज सब कहां पे आएंगे सरफेस में आएंगे,
वहां से क्या होता है, वो अपने ही तरह से रिपेल होके सेंटर की तरफ कुछ आ जाएंगे, अपने से रिपेल होके सेंटर की तरफ कुछ आ जाएंगे, आ रहे हाँ ना, ना। तो सेंटर की तरफ आ जाने का मतलब क्या है, सरफेस में ज्यादा होगा सेंटर पे कम होगा, तो चार्जेस जो है अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होके है, हाँ जी नहीं। अब ये दोनों स्पीयर है, मान के चल कि बड़ा वाला स्पीयर में क्यू चार्ज है, यहां पे कुछ चार्ज होगा, वही क्यू का कुछ पोर्शन यहां पे होगा, कहां पे, गॉसियन सरफेस में। तो मान के चल ये वाला क्यू डैश है, ये वाला क्यू डैश है, मैंने क्या लिया है यूनिफॉर्म, क्या लिया है मैंने, यहां पे मेरा क्या आएगा, ये जो 3D फिगर है यहां पे मेरा आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहां पे मैंने क्या लिखा हूं, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। आया समझ में कि नहीं, अगर मेरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्पीयर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, देखो स्पीयर के लिए मैं लिख सकता हूं क्यू इक्वल टू, अच्छा रो, सबके लिए क्या होगा, रो ही तो सेम होगा ना, सबके लिए क्या होगा, रो ऑफ स्पीयर इक्वल टू रो ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, रो क्या है, रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आया समझ में, रो क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, रो के लिए मैं लिखूंगा चार्ज बाई वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, इसके लिए लिखूंगा चार्ज बाई वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, आया समझ में कि नहीं। इन दोनों के लिए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो इसके लिए जो चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी आएगा, इसके लिए भी वॉल्यूम डेंसिटी आएगा, ये क्या है मेरा वॉल्यूम डेंसिटी है, ये वाला मेरा निकालू था स्पीयर के लिए चार्ज बाई वॉल्यूम, इसके लिए मैं निकालू चार्ज बाई वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो यहां पे q बाई क्यू डैश मेरा क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, बाई वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो q बाई क्यू डैश इक्वल टू 4/3 pi, स्पीयर का रेडियस क्या है आर क्यू, इसका वॉल्यूम यही होगा, यहां पे क्या होगा 4/3 pi स्मॉल r का क्यू, तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, q बाई क्यू डैश इक्वल टू कैंसल क्या बनेगा r क्यू। अरे हाँ या ना, इससे कोई एक फॉर्मूला है, तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बाद में न्यूमेरिकल करने में काम आएगा। यहां से क्यू डैश निकालू तो मेरा क्या आएगा, r/r³ q क्यू डैश क्यू निकाला, अभी मैं बोलूंगा कुछ ही देर के बाद, क्यू निकाला कुछ ही देर के बाद हो गया। इतना तक स्क्रीन को पॉज करके ये वाला लिख लो, यहां कहां किसके लिए कर रहे हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। यहां पे भी कोई चार्ज है, क्यू डैश में भी जो गॉसियन सरफेस है यहां पे भी कोई चार्ज है, आया कि नहीं समझ में। अब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखूंगा यहीं पे कहीं पे पॉइंट से, देखो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा और यहां पे भी इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा। अरे आया कि नहीं समझ, पहले से तो मैं बोल चुका हूं ना, स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। स्क्रीन को पॉज करके लिख लिए, अब मैं थोड़ा निकालने जा रहा हूं, ये वाला रिलेशन में काम आएगा। अब देखो क्या मैं कर रहा हूं, देखो क्या मैं करूं, मैं क्या करता हूं कि फ्लक्स का फॉर्मूला डालता हूं, फाइ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अब क्या बनेगा, ई डी ए कॉस जीरो बनेगा, किसका एरिया मुझे निकालना है, ये पोर्शन का, अरे हाँ यहां ना यही पोर्शन का निकालना है, मतलब गॉसियन सरफेस का, तो ई बाहर आ जाएगा, मुझे तो ई निकालना है, मुझे बाहर आ जाएगा कॉस जीरो, तो वन हो गया डीए का इंटीग्रेशन, डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, एरिया ऑफ किसका ना, गॉसियन सरफेस का, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, आया कि नहीं समझ में, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो ई इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होगा, 4πr² अरे हाँ यहां ना, स्मॉल r का गॉसियन सरफेस का क्या होगा, फाइ इक्वल टू ई इंटू 4π² अब यहां पे मैं क्या डालू ना, गॉस लॉ डालू, यूजिंग गॉस लॉ,
गॉस लॉ डालने से क्या मिलेगा मुझे, फाइव पर्ट। किसके लिए गॉस लॉ डालू, गॉसियन सरफेस के लिए डालू, तो फाइव पर्ट क्या मिलेगा, इनसाइड में कितना है, क्यू डैश चार्ज है, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन जीरो, अच्छा कैपिटल क्यू डैश जो भी मिल रहा है, जो यहाँ पे लोगे वही यहाँ पे वही यहाँ पे लोगे, क्यू डैश बाई कितना मिल गया, एप्सिलॉन जीरो, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन जीरो मिल गया मुझे। अब क्यू डैश बाई एप्सिलॉन जीरो जो मिल गया, अब इसका क्यू डैश का वैल्यू यहाँ पे डालना है मुझे। अच्छा फाइव का वैल्यूज क्या है, देखो फाइव का वैल्यूज है ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। अब क्यू डैश क्या बन गया मेरा ना, आर बाई आर का होल क्यू कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। आया कि नहीं समझ में, अरे हाँ या ना, वही तो मैं वैल्यूज डाल रहा हूं ना, और कुछ किया, और कुछ भी नहीं मैंने किया है। आया समझ में, तो ई इक्वल टू क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यू है, एक कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू, ऊपर में आएगा स्मॉल आर, नीचे आएगा आर का क्यू, कैपिटल आर का क्यू, यही वाला फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला है। वह देखो बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यू आर बाई आर क्यू, ये तो कॉन्स्टेंट है, रेडियस ऑफ द स्फीयर कॉन्स्टेंट है, चार्ज कॉन्स्टेंट है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, किसके साथ वैरी करेगा, स्मॉल आर के साथ, स्मॉल आर तो डिस्टेंस है ना, वही तो वैरी करता है, कभी यहीं पे लो कभी यहीं पे, यहीं पे लेते हैं, इनसाइड आउटसाइड में ही तो लेते हैं, तो किससे किस तरह वैरी करता है ना, ई प्रोपोर्शनल टू आर पे वैरी करता है, किस तरह वैरी करता है ना, ई प्रोपोर्शनल टू आर पे वैरी करता है। आया समझ में, अरे हाँ या ना, समझ में आ गया ना, ना इसमें किसी को डाउट है, हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैरी करता है, बाकी सब हम जो देख रहे थे कभी ई प्रोपोर्शनल लिनियर चार्ज के लिए क्या आया था, ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर आया था, हाँ कि नहीं। आउटसाइड में दिखे थे जो पहले तीन केसेस दिखे थे वहां पे क्या दिखे थे, वन बाई आर स्क्वायर की तरह दिखे थे, अरे आउटसाइड में दिखे थे ना जो पहले होलो स्फीयर के लिए, वो आउटसाइड में जो दिखे थे वो वाला क्या था, वन बाई आर स्क्वायर की तरह था। अब यहां पे मैंने क्या दिखा ना, ई प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है इनसाइड, अब दिखेंगे आउटसाइड में क्या होता है, याद रखना इसका ग्राफ भी जरूर हम बनाएंगे, आउटसाइड में क्या होता है अब दिखेंगे, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, हो गया यहां तक, अच्छा ठीक है। अब और एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं, ये मैं मिटा देता हूं, देखो क्या लिखते हैं, क्या होगा यहां पे, यही वाला फॉर्मूला को चलते हैं, क्या मुझे मिला था, E इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू आर बाई आर क्यू। अच्छा पहले कॉपी देखो अपने लिखे हो गए, यहाँ पे Q का लिखे थे हमने फोर बाई थ्री पाई आर क्यू इंटू रो, ये कहां से आया बाबा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम, किसका लेंगे, Q कहां पे है ना, बड़ा सा स्फीयर में है, कैपिटल R जिसका रेडियस है, तो Q बाई वॉल्यूम क्या होगा, 4 बाई थ्री पाई आर क्यू। तो अब मैं लिख सकता हूं 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं 4 बाई थ्री पाई आर क्यू रो डिवाइडेड बाई क्यू इंटू क्यू का वैल्यू हो गया R आएगा, यहां पे आर क्यू आएगा, तो देखो क्या होता है, ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक है ना, आर क्यू से आर क्यू कैंसल आउट हो गया, ठीक है अच्छी तरह से, नया फॉर्मूला आएगा, एक पाए से पाए मर गया, फोर से फोर कैंसल आउट हो गया, आर क्यू से आर क्यू गया, रो इंटू आर बाई थ्री एप्साइलन जीरो, आया समझ में, ये नया फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तुमको दिखना है, ये वाला कभी कभी एमसीक्यू में डाल देता है, वाह यहाँ पे इस तरह नहीं दूंगा, यहाँ पे देगा यही सो ए बी प्रोपोर्शनल टू आर होगा, अरे हाँ या ना। तो ये इनसाइड वाला केस हो गया, अब आउटसाइड वाला केस दिखते हैं, अब आउटसाइड वाला केस दिखते हैं, पिटा में जा रहा हूँ, देखो आउटसाइड, ये वाला इनसाइड में हो गया, अब आउटसाइड वाला केस दिखेंगे, आउटसाइड वाला केस दिखेंगे, अच्छा ठीक है, देखो आउटसाइड वाला क्या केस दिखते हैं हम, मान के चल ये मेरा कोई स्फेरिकल सरफेस था जिसका रेडियस आर था, यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है, यहां से मैं कोई गॉसियन सरफेस बनाता हूं, देखिए इधर अच्छी तरह से डॉटेड लाइन में मेरा क्या बना रहा हूं, मैं गॉसियन सरफेस में बना रहा हूं, अच्छा ठीक है, तो यहां से ये जो रेडियस बन गया, ये जो रेडियस बन गया, इसे नहीं लिखते हैं, यहां से जो रेडियस बना इसका स्मॉलर, गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉलर, चार्जेस सब कहां पे है, यहां पे है,
चार्जेस सब कहां पे है, स्पीयर में है, स्पीयर के सरफेस में। क्या चार्जेस बन रहा है ये मेरा, प्लस क्यू चार्जेस। आ रहा है समझ में कि नहीं, यहां पे मेरा क्या बन रहा है, प्लस क्यू चार्जेस बन रहा है। तो प्लस क्यू चार्जेस जो बनेगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैसे आएगा, ये वाला मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये वाला मेरा री आएगा। वही बाहर वाले में वही केसेस है और कुछ नहीं होगा। यहां पे चार्जेस मेरा यूनिफॉर्मली यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में इसका लू, हाँ कि नहीं, यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने से क्या बनता है, देखो मेरा फाइ इक्वल टू ई डॉट डी एस, सिंपल वही जवाब किए थे वही वाला भी यही करना है। क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए, अच्छा देखो ई डी ए कॉस जीरो बाय इंटीग्रेशन, ई बाहर आ जाएगा, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल होगा एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो ई डी ए कॉस जीरो का वैल्यू वन हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, दैट इज फोर पाई किसका, ना गॉसियन सरफेस का, स्मॉल आर का स्क्वायर, किसका लू, गॉसियन सरफेस का लू, फोर पाई आर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं, अच्छा ये वाला गॉसियन सरफेस लू ना, हाँ। तो अभी गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, बाई यूजिंग गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे तो फाइव इक्वल टू क्या बनेगा, क्यू बाई एप्साइलन जीरो, क्यू बाई यहाँ पे चार्ज क्यू मान लो, वही वाला कैपिटल क्यू लो स्मॉल, अच्छा वहां पे कैपिटल क्यू लिया था, ठीक है यहाँ पे भी कैपिटल क्यू ले रहा हूँ, ठीक है ठीक है, क्यू बाई एप्साइलन जीरो। तो फाइव का वैल्यू क्या बन रहा था मुझे मेरा यहाँ पे, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या मैं डाल रहा हूँ देखो जरा, इधर मुझे दिया गया है ये यहाँ पे यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी, ये वाला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वह, तो दैट इज चार्ज बाई वॉल्यूम, किसके ऊपर चार्ज है ना, ये वाला सरफेस में है, ये जो स्पीयर में है, तो इसका वॉल्यूम मैं क्या डालूंगा, फोर बाई थ्री पाई आर का क्यू में डालू, फोर बाई थ्री पाई आर का क्यू में डालू, तो क्यू क्या बन जाएगा मेरा ना, रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू रो, यही तो मेरा बनेगा, अरे यही तो मेरा बनेगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यू इंटू रो। तो क्यू की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, फोर बाई थ्री पाई आर क्यू इंटू रो बाई एप्साइलन जीरो, बाई एप्साइलन जीरो। इधर दो तरह के हो सकता है, यहां से और एक लेके करूंगा, यहां पे लिख लेता हूं ये वाला फॉर्मूला, कोई क्या डिफरेंट आएगा, देखो एक ही बात है बाद में भी यही करूंगा, थोड़ा देखो थोड़ा पेशेंस रखो, देखो यहां से फोर कैंसल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, अरे हाँ यहाँ ना, तो मेरा क्या आएगा ई इक्वल टू पाई कैंसल आउट फोर कैंसल आउट, ऊपर में बचा क्या है, रो इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू एप्साइलन जीरो आर स्क्वायर। देख इधर ये वाला फॉर्मूला किस तरह का आया, जो अभी मैंने किया था तुझको, बोला था ना कि एमसीक्यू में आने वाला, वही वाला फॉर्म में आया है फॉर्मूला। अब तू बोलेगा सर वन बाई फोर पैसा क्यों नहीं लाए, करता हूं रे बाबा। देख इधर ये वाला हो गया ना, तो ये वाला मिटा देता हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये वाला मिटाने में जा रहा हूं। देखो वही वाला फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन जीरो में गॉस लॉ अगर अप्लाई करेंगे, सॉरी गॉस लॉ अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं, तो क्यू बाई एप्साइलन जीरो में फाइव का वैल्यू क्या आया था, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, दैट इज इंटू क्यू बाई एप्साइलन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या मिला, वन बाई फोर पाई एप्साइलन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर। देख वही वाला आउटसाइड में जो आया था प्रीवियस में, किसमें, वो जो वाला लास्ट क्लास में पढ़े थे वही वाला फिर से आ रहा है, इक्वल टू वन बाई फोर परसेंट जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सरफेस में भी आएगा क्या आएगा, वही आर इक्वल टू आर हो जाएगा, इक्वल टू वन बाई फोर क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर हो रहा है, जबकि मेरा इन साइड में था ई प्रोपोर्शनल टू आर, डिस्टेंस के हिसाब से वेरी कर रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू आर था, उसके बाद क्या सरफेस में आएगा ई प्रोपोर्शनल टू वही वन बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, जब बाहर चला जाएगा आएगा स्मॉल आर का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू वन बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, हो गया ना, अरे हुआ या ना। तो ठीक है इससे मैं मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये वाला मैं मिटाने जा रहा हूँ, एक ग्राफ बनाएंगे इसका, एक ग्राफ बनाएंगे इसका, देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, मुझे तीन केसेस दिया गया है, मुझे तीन केसेस दिया गया है, ई इनसाइड में, ई इनसाइड में मुझे दिया गया है ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, सॉरी ई प्रोपोर्शनल टू आर दिया गया है, ई सरफेस में मुझे दिया गया है, ई सरफेस में भी हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर का स्क्वायर, यहां पे क्या है आर इज लेस देन आर है, यहां पे आर इक्वल टू आर है, ई आउटसाइड में क्या बनेगा, ई आउटसाइड में क्या बनेगा, ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई
आर का स्क्वायर, आर इज ग्रेटर देन आर है। तो इसको तीन ठो केस लेके मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, मैं एक ग्राफ बनाते हूँ। ग्राफ कैसे बनेगा देखो जरा, ये मेरा ई है, ये मेरा आर है, ये मेरा आर है। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो, ई प्रोपोर्शनल टू आर में जो आएगा, ई प्रोपोर्शनल टू आर में जो आएगा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड कैसे ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हाँ कि नहीं। अब यहां पे क्या बनेगा, आर बन गया मैक्सिमम तो लगाया गया, अरे हाँ या ना। तो ये कैसे कैसे बनेगा, ये वाला मेरा है क्या पॉइंट है, आर इक्वल टू आर, हाँ कि नहीं। अब ये वाला क्या है मेरा, आर लेस देन आर है। अब यहां से कैसे बनेगा ना, ऐसे बनता है ई प्रोपोर्शनल टू, यहां पे क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर, आया कि नहीं समझ में। तो यहां पे तुम बोल सकते हो सर वहां पे कोई स्पीयर आपने किया था, हाँ यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे वहां पे किया था वहां पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कैसे, इसे ही रेडियस लेंगे ना, तो ऐसे वाला डायग्राम मैं बना सकता हूँ, दिख रहा है ना स्पीयर वगैरह, मैं दिख रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो, हाँ वही तो स्पीयर है, और क्या, यही वाला आर इक्वल टू आर है, ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक हुआ, तो ये हो गया। अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा शायद मुझे लगता है, अरे हाँ या ना। तो ठीक है, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ, अच्छा ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक छोटा सा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, उसके बाद एक फोर्स डिराइव करूंगा। देखो तो वही चीज कराऊंगा, ये लास्ट वाला पार्ट है। देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चंस क्या होता है। देखो सोच जरा, यहां से कोई डाइपोल इधर गया है जिसका डाइपोल मोमेंट वैल्यू है पी जीरो, यहां से कोई डाइपोल इधर आ रहा है जिसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है टू पी जीरो। मुझे पूछा गया है कि यहां से कोई आर डिस्टेंस में, स्मॉल आर या स्मॉल एक्स, स्मॉल आर के डिस्टेंस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या निकालो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो दो डाइपोल के वजह से। टू डाइपोल्स हैविंग डाइपोल मोमेंट टू पी जीरो एंड पी जीरो आर परपेंडिकुलरली टू इच अदर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डाइपोल। कैसे होता है देखो, कैसे होता है, मान के चल ये जो डाइपोल है, सोच रहा कैसे पढ़े कैसे है, ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, यहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये डाइपोल के, सोच जरा थोड़ा सा, यहां डाइपोल के साथ ये एक्सियल लाइन पे है, ये पॉइंट, दैट पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ दिस डाइपोल। तो इसके लिए पी जीरो के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, मान लीजिए कि इसका ई वन रहता है, पी जीरो को मैं वन लेता हूं, टू पी जीरो को मैं टू लेता हूं। तो पी जीरो में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा वो क्या आएगा, बीटा टू इंटू डाइपोल मोमेंट पी जीरो डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का क्यू, वही वाला तो है, ये वाला सेंटर मान ले, सेंटर ऑफ डाइपोल से सारे का डिस्टेंस है मेरा, ये वाला को सेंटर ऑफ डाइपोल मान लो, यहां से सबका डिस्टेंस है, आ रहा है याद आ रहा है, एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल एट एन एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला, ई इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी बाई आर क्यू, यहां पे पी क्या है, पी जीरो है, तो पी जीरो बाई आर क्यू। एक दूसरा डाइपोल इधर ऐसे है डाइपोल जहां पे इसका सेंटर है, पॉइंट क्या है, पॉइंट यहां पे है, क्या पॉइंट, पी पॉइंट, क्या है या पी पॉइंट। तो यहां से टू पी जीरो ऐसे जा रहा है, टू पी जीरो ऐसे जा रहा है, सोच जा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे जाएगा। अब ये इसे परपेंडिकुलर है तो ये वाला कौन सा पॉइंट बनेगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल, डाइपोल ऐसे जा रहा है पॉइंट इधर है, परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन, ये इसका एक्सियल लाइन है, परपेंडिकुलर टू द मतलब ये इक्वेटोरियल पॉइंट बनेगा, ये इक्वेटोरियल पॉइंट बनेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट बनेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, इक्वेटोरियल के लिए आता ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये क्या बनेगा, ई टू बनेगा, ये क्या बनेगा, ई टू बनेगा, जिसका वैल्यू, ई टू का वैल्यू क्या आएगा मेरा, वन बाई फोर पाई अच्छा बीटा, बीटा में लिखो, बीटा लिखो, बीटा लिखो, बीटा सिर्फ डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, सिर्फ डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, तो टू पी जीरो, डिस्टेंस क्या है, आर है, तो डिस्टेंस आर का क्यू, आया समझ में। यहां पे टू हमने डाइपोल मोमेंट पे मल्टीप्लाई किया है, यहां पे मैंने टू दिया है, अगर तुम चाहो तो यहां पे थ्री पी जीरो भी लिख सकते हो, थ्री पी जीरो लिखोगे तो सिर्फ थ्री पी जीरो लिखना है यहां पे, अगर यहां पे तुम डाइपोल मोमेंट
थ्री पी जीरो लिए होते यहाँ पे, तो क्या होता है ये टू इंटू थ्री पी जीरो होता। अगर यहाँ पे थ्री पी जीरो लिए होते तो सिर्फ थ्री पी जीरो लिखते। कंफ्यूजन मत होना, ना कंफ्यूजन हो रहे हो। अच्छा ठीक है मैं चेंज कर लेता हूँ वैल्यूज, मैं चेंज कर लेता हूँ, कंफ्यूजन मत हो। यहाँ पे मैं थ्री पी जीरो ले रहा हूँ, ये टू पी जीरो उसे रहने दो, क्यों कंफ्यूजन हो गई, कंफ्यूजन मत होना। वह तो यहाँ पे डाइपोलमेंट मुझे क्या दिया गया था थ्री पी जीरो, यहाँ पे थ्री पी जीरो, थ्री पी जीरो होने से ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ना डाइपोल मोमेंट जो था उससे हम टू मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हम टू मल्टीप्लाई। आया समझ में? यहाँ पे सिर्फ डाइपोल मोमेंट को लेके मैंने आया ना, ये भी कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे फोर पी जीरो कर दू क्या, यहाँ पे फाइव पी जीरो कर लेता हूँ, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। वाह बाकी सब में अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। फाइव पी जीरो में बना देता हूँ ये वाला, मैं सॉरी फाइव पी जीरो में बना देता हूँ। तो सिर्फ डाइपोल मोमेंट को मैंने रखा, क्या क्या था क्वेश्चन, पहले इनिशियल क्वेश्चन को आते हैं, टू डाइपोल सभी डाइपोल मोमेंट थ्री पी जीरो एंड फाइव पी जीरो और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डाइपोल्स। तो थ्री पी जीरो से बना ये वाला आर डिस्टेंस पे, ये वाला कितना दूरी पे था आर डिस्टेंस पे, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बना एक्सियल पॉइंट के लिए, ये वाला एक्सियल का केस है, ये वाला इक्वेटोरियल का केस है। फॉर्मूला खुद डाल देना, हो गया समझ में? ये वाला इक्वेटोरियल का फॉर्मूला मैंने डाला हूँ, सिर्फ डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करवाऊ डाइपोल में। तो यहाँ पे पॉइंट पी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर आ सकता है, खुद कर सकते हो। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ई नेट का फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर का रूट ओवर क्या मैं लिख सकता हूँ, ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर का रूट ओवर क्या मैं लिख सकता हूँ, अरे आया कि नहीं, अरे आया गया कि नहीं, हो जाएगा, अरे हो जाएगा, ये खुद कर लेना। वह एंगल निकालना है, ये वाला एंगल को बीटा लेके निकाल सकते हो, टैन बीटा इक्वल टू ई टू बाई ई वन करके निकाल सकते हो, टैन बीटा इक्वल टू ई टू बाई ई वन करके निकाल सकते हो, हो गया ना, ये मैं और नहीं करूंगा, खुद आ जाएगा। अच्छा मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि इसके बाद जो छोटा सा डेरिएशन मैं करूंगा ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं मैंने तुमको दिखा लिया, अब देखो, अब देखो वो जो मैंने हेडिंग दिया था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, स्क्रीन को पॉज करके ये वाला लिख लो, मिटाने जा रहा हूं मैं। देखो क्या होता है यहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब कोई डाइपोल इधर जा रहा था, मान के चल कि ये P1 डाइपोल था और एक दूसरा डाइपोल इधर जा रहा था, दोनों डाइपोल सेम लाइन पे लाए कर रहे हैं, दोनों डाइपोल सेम लाइन पे लाए कर रहे हैं। तो मुझे पूछा गया कि फाइंड द फोर्स, फोर्स बिटवीन द टू डाइपोल्स, क्या पूछा गया है मुझे, फोर्स बिटवीन द टू डाइपोल्स। सर ये क्या नया चीज लाया है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सुना थे, फोर्स बिटवीन द टू डाइपोल आप बोल रहे हैं। हाँ ये कभी कभी आ जाता है एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू में, बोर्ड पे तो नहीं आएगा मगर एंट्रांस पे कभी कभी आ जाता है। देखो फोर्स बिटवीन द टू डाइपोल्स याद रख लेना, छोटा सा चीज तो है। अब ये वाला वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा, वह ये वाला P1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डालेगा, अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू, ये वाला वहां पे डालना है, तो मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सोच जरा क्या लिख रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा देख, इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू, एट टू ये वाला टू है, ड्यू टू वन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू ड्यू टू वन, क्या लिख रहे हैं मुझे, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, वन का इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू ड्यू टू वन, ई वन क्या लिख रहा है, ये एक्सियल लाइन पे आ रहा है, ये वाला एक्सियल लाइन पे आ रहा है, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो किसके लिए, वन के लिए, वन के लिए, तो इसका ही लूंगा मैं, टू पी वन बाई, मान के चल ये वाला डिस्टेंस आर है, कितने दूरी पे, आर डिस्टेंस पे, आर क्यू, आया कि नहीं समझ में, अरे हाँ या ना, ई वन इक्वल टू वन बाई फोर पाई टू पी वन बाई क्यू, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब दोनों के बीच में एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनता है, U इक्वल टू माइनस ऑफ पी टू डॉट ई वन, यही वाला हम डिराइव भी किए थे, सो जरा देख क्या बोला था, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा क्या बनेगा, कैसे बनेगा ना, सोच जरा हमारा फॉर्मूला क्या था, पीई पीई कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू था, मैंने थीटा वन को जीरो लिया, थीटा टू को थीटा लिया,
सॉरी सर थीटा वन को 90 लिया, कॉस 90 जीरो, जीरो माइनस कॉस थीटा टू थीटा, तो 90 से ये कहां तक आया है, थीटा एंगल को टर्न किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसका, पोटेंशियल एनर्जी किसका मैं लू, डाइपोल टू का। पोटेंशियल एनर्जी किसका मैं लू, डाइपोल किसका ना, टू सेकंड डाइपोल का। यू इक्वल टू माइनस पी टू डॉट ई बनेगा। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देख सिर्फ ये पी टू ई वन है, पी टू ई वन है, डॉट नहीं, पी टू ई वन है, वहां वहां पर थीटा डाल देना, पीई कॉस थीटा, तो ये वाला माइनस पी टू ई वन, वहां थीटा ये जो 90 से ये कहां तक गया है, जीरो से गया है, तो माइनस पी टू इंटू ई वन, माइनस पी टू कहां पे आएगा, माइनस पी टू क्या वैल्यूज क्या है, माइनस पी टू का वैल्यू माइनस पी टू रख लो, ई वन का वैल्यू क्या है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी वन वाई आर क्यू, तो क्या बनेगा मेरा एनर्जी, नाउ वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो माइनस ऑफ वन बाई टू पी वन पी टू वाई आर क्यू। सर ये क्या क्या कर रहे हैं आप, अरे देख जरा अच्छा चीज है, वन बाई माइनस ऑफ वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी वन पी टू वाई आर क्यू, अरे आया ना, तो ये वाला यू, अरे ये वाला यू बन जाएगा, अरे हाँ या ना, सोच रहा हूं हो गया ये भावे, अच्छा ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी वन पी टू बाई आर क्यू बन गया। हुआ, अब क्या होगा, यहाँ पे फोर्स मुझे निकालना पड़ेगा, फोर्स इक्वल टू मुझे फॉर्मूला पता है, माइनस डी यू डी यू बाई डी आर, हाँ कि नहीं, अरे एनर्जी में निकाला था, आर के हिसाब से एनर्जी आ रहा है, तो फोर्स मुझे मिलेगा एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, फॉर्मूला याद आ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला हमने ये यूज किया था, हाँ एफ इक्वल टू माइनस डी, इलेवेंथ में पढ़े थे, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, तो देखिए अभी क्या होता है ना, माइनस ऑफ डी बाई डी आर ऑफ यू का फॉर्मूला क्या है ना, माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी वन बी टू बाई आर क्यू, टू पी वन बी टू बाई आर क्यू, माइनस माइनस प्लस आ गया, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी वन बी टू, ये बाहर आ जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी वन बी टू बाहर आ गया, डी बाई डी आर ऑफ वन बाई आर क्यू, हाँ कि नहीं, अरे आया कि नहीं समझ में, आ रहा है समझ में ना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होगा मैं सोच रहा हूं, तो डी बाई डी आर ऑफ वन बाई आर क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा रे, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी वन पी टू, इसका आएगा ऊपर वाले क्या आएगा, आर टू दी पावर माइनस थ्री का डेरिवेटिव, तो एन इंटू यू टू दी पावर एन माइनस वन, तो क्या बनेगा मेरा इसका डेरिवेटिव ना, माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू, माइनस थ्री इंटू वन बाई आर का फोर, वन बाई आर का फोर बनेगा, आया समझ में, डेरिवेटिव करोगे वन बाई क्यू को, देखो वन बाई आर क्यू को, तो यही वाला आएगा माइनस थ्री बाई आर टू दी पावर फोर, तो मेरा फोर्स क्या बना, फोर्स मेरा क्या बना फाइनली फॉर्मूला में, टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस सिक्स पी वन पी टू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर का पावर फोर, आया समझ में, अरे हाँ आया ना, एफ इक्वल टू माइनस सिक्स पी वन पी टू, माइनस सिक्स पी वन पी टू फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर का पावर फोर। तो हमने जो पहले डिस्कशन किए थे फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस के लिए, वहां पे एफ कैसे वेरी कर रहा था, एफ प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर हो रहा था, अब डाइपोल की वजह से कैसे आ गया, एफ प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर फोर, एक नया चीज है, ये एक नया चीज है, याद रख लो, ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि दोनों जो डाइपोल्स है, दोनों फोर्स के डाइपोल जो है अट्रैक्टिव, नेगेटिव साइन सोच रहा था फोर्स बिटवीन द टू डाइपोल इज अट्रैक्टिव, अगर दो डाइपोल मेरे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर, अगर तो दोनों डाइपोल पार्लल है, ये भी पार्लल है, एक ही लाइन पे मतलब ये भी पार्लल है, मगर एक ही लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन उनका एक है, अगर दो लाइन ऑफ एक्शन ऐसे पार्लल हो गए, दो लाइन ऑफ एक्शन ऐसे पार्लल हो गए, अभी दिखेंगे उसको, ये वाला हो गया, हो गया, अरे हुआ कि नहीं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, नेक्स्ट वाला दिखेंगे, नेक्स्ट वाला दिखेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आया कि नहीं समझ में, और कुछ नहीं करेंगे, वही वाला दिखेंगे, कैसे करते हैं देखो, ये वाला एक डाइपोल है, ये वाला एक डाइपोल है, ये वाला P1 है, ये वाला P2 है, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस आर है, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस आर है, देखो अभी कैसे करते हैं, अब ये वाला डाइपोल यहां पर एक फोर्स डालेगा, वही वाला जो मैं कर रहा था, क्या कर रहा था मैंने, पहले मैंने बोल रहा था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो,
इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए एट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू, ये वाला टू है, ये वाला वन है, कौन डाल रहा है, ड्यू टू वन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू ड्यू टू वन, तो मुझे कौन लाएगा ना, मैं किसका लिखूंगा, ई वन का लिखूंगा, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। अच्छा ये कौन सा है, एक्सियल लाइन है, इक्वेटर है, देखो परपेंडिकुलरली जा रहा है ना, परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो परपेंडिकुलरली मतलब क्या आएगा ना, सिंपली डाइपोल मोमेंट बाई डिस्टेंस का क्यू, अरे हाँ या ना, यही तो वाला है ना, आया समझ में, तब मैं क्या लिखवा लूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल टू, तो क्या निकालू मैं, माइनस ऑफ यू पी टू इंटू ई वन, वही वाला फॉर्मूला जहां वहां पे करे थे वही वाला, सिर्फ डाइपोल का ओरिएंटेशन पोजिशन चेंज हुआ और कुछ नहीं, माइनस पी टू इंटू वन, पी टू का वैल्यू पी टू रख लो, ई वन का वैल्यू है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी वन बाई आर क्यू, तो क्या बन गया मेरा ना, वन बाई माइनस ऑफ वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी वन पी टू बाई आर क्यू, ये मेरा यू है, ये मेरा यू है। अच्छा ये वाला गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी गया, ये वाला मेरा क्या गया, पोटेंशियल एनर्जी गया, अब मैं क्या निकालता हूं, फोर्स, फोर्स का वैल्यू कैसे निकाल लूंगा, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, वही वाला तो कर रहा था ना, तो माइनस ऑफ डी बाई डी आर ऑफ यू का वैल्यू है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी वन पी टू बाई आर क्यू, यहां पे कोई माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी वन पी टू कॉन्स्टेंट है ये बाहर चला आएगा, डी बाई डी आर ऑफ वन बाई आर क्यू आएगा, डी बाई डी आर ऑफ वन बाई आर क्यू आएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी वन पी टू, वन बाई आर क्यू का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस थ्री बाई आर टू दी पावर फोर, अरे हाँ या ना, यही वाला आएगा, अरे हाँ या ना, यही वाला आएगा कि नहीं, सोच जरा, यही वाला तो आएगा ना, सोच जरा, यही वाला वैल्यू आएगा, अरे हाँ या ना। अच्छा ठीक है, देख थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कहां पे मिस्टेक हुआ है, यहां पे डाइपोल मोमेंट, अच्छा दोनों डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह था, तो डाइपोल मोमेंट इस तरह का जा रहा है, मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर ही आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, तो यहां पे क्या लिखा, पी टू इंटू एन, पी टू ऊपर जा रहा है, ईवन नीचे आ रहा है, तो यहां पे 180 cos 180 लिखना है मुझे, cos 180 वहां पे cos 0 लिखे थे, यहां पे क्या लिखना है, cos 180, तो cos 180 का वैल्यू माइनस है, तो यहां पे माइनस माइनस प्लस आ गए, हाँ कि नहीं, तो यहां पे माइनस नहीं बचेगा, यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, आ गया समझ में, तो क्या बन जाएगा मेरा, तो मेरा एफ बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया, थ्री पी वन पी टू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर टू दी पावर फोर, ये वाला मेरा फाइनल आंसर है, तो यहां पे भी देख, यहां पे भी वही एफ प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर का फोर आ रहा है, एफ प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर का फोर आ रहा है, आया समझ में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, आया समझ में कि नहीं, थ्री पी वन पी टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर टू दी पावर फोर ही आ रहा है, आया समझ में, ना इसमें कोई डाउट है, तो इतना था इस चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में मैंने कोशिश किया है वो सारा इसने मेरे वीडियो में डालने के लिए, वाह, अगर कोई चीज छूट गया है तो मुझे कमेंट्स में बोल दो, हम कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आया समझ में, अगर यहाँ पे कोई छूट गया है चीज तो मुझे कॉमेंट्स में बोल दो, मैं वो समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को, वाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, वाह, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर के साथ, वाह, थैंक यू।